हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वाईसीटी बुक्स। यूथ कमिश्नर टाइम्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज जो बुक आ रही बिकली हुई सिविल इंजीनियरिंग के जूनियर एग्जाम के लिए है, जिसमें आपको यूपी पीसीएल और यूपी आर्मिनल के जेई और एई के सॉल्व पेपर्स मिलेंगे। साथ ही साथ आपको एग्जाम की प्रैक्टिस के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट दिए जाएंगे। जिस जो एग्ज़ाम सेट इसमें दिए जा रहे हैं वो 2014, 15, 16, 18, 19 इसमें जो एग्ज़ाम हुए हैं यूपी पीसीएल और यूपी आर्मिनल जेई के, उसके इसमें सॉल्व पेपर दिए गए हैं। पूर्णतः आयोग की संशोधित आंसर की द्वारा प्रमाणित है, जिसमें टेक्निकल सब्जेक्ट आपके 150 होते हैं, जो कि यूपी पीसीएल का पेपर होने वाला है। जनरल नॉलेज के 20 क्वेश्चन, जनरल रीजनिंग एबिलिटी के 20 क्वेश्चन और जनरल हिंदी के 10 क्वेश्चन होते हैं। तो 200 क्वेश्चन होता है, 200 नंबर के ये होते हैं, जैसा कि सिलेबस में दिखाया गया है। अभी मैं आगे आपको दिखा दूंगा कि कितने नंबर आप इसमें जो प्रैक्टिस सेट है, कितने नंबर आप सॉल्व पेपर्स हैं, टोटल 15 सॉल्व पेपर्स हैं प्रैक्टिस बुक इसमें रहेंगे, ठीक है। तो अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि डेली बेसिस पर इस पर न्यू बुक्स की अपडेट और न्यू एग्जाम की अपडेट्स आपको मिलती रहती हैं। तो अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं, पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगी आपको। वाईसीटी बुक्स का भी लिंक मैं दे रहा हूँ, वहाँ से मिल जाएगी आपको। नहीं तो गूगल प्ले बुक का भी लिंक दे रहा हूँ, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तुरंत ऑर्डर करने के लिए इंस्टा मोजो पर क्लिक करके वहाँ से ऑर्डर बुक कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट हमारे व्हाट्सअप से भी ऑर्डर बुक कर सकते हैं, या तो हमारी वेबसाइट पर जाके वहाँ क्लिक कर सकते हैं। देखिए, इसकी पीडीएफ आप डिटेल्स मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा। साथ ही सबसे पहले अगर हम इसके कंटेंट्स में देखें तो कंटेंट्स में सबसे पहले आपको यूपी पीसीएल और यूपी आर्मिनल का सिलेबस मिलेगा, वो डिटेल्स में दिखा दे रहा हूँ। यूपी पीसीएल यूपी आर्मिनल का जो परीक्षा पाठ्यक्रम होगा वो भी दिखा दूंगा। उसके बाद यूपी पीसीएल 2016 में जो वैकेंसी हुई थी जेई की, यूपी पीसीएल की, वो उसका सॉल्व पेपर रहेगा। 2015 का यूपी पीसीएल का सॉल्व पेपर है, 2013 का, जो कि 2013 में हुआ था। इसके बाद इसमें आपको यूपी पीसीएल 2019 के एई के पेपर मिल जाएगा। जेई का पेपर आपको यूपी आर्मिनल का मिलेगा, 2019 का, 2016 का, 2015 का, 2014 का, और एई का पेपर मिलेगा आपको 2016 का। तो टोटल 10 सेट ये सॉल्व पेपर्स आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ 5 सेट यहाँ पे प्रैक्टिस सेट मिलेगा यूपी पीसीएल के लिए। तो ये डिटेल अभी मैं बताऊँगा, प्रैक्टिस सेट किस पैटर्न पर दिया गया है और किस लैंग्वेज में दिया गया है, वो सारी जानकारी आपको आगे मिल जाएगी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम ये इसमें कुछ हमारे एनालिसिस दिया गया है कि कितने क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट से पूछा गया है, क्योंकि विद्यार्थी को पता होना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं और किसी बेसिस पर तैयारी करनी है। जैसे यूपी पीसीएल एई का पेपर देखा जाए 2019 का, उसमें 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हाइड्रोलिक से 11 क्वेश्चन है, सॉइल से आपके 13 क्वेश्चन हो गए, एचआरवी से 15 क्वेश्चन हो गए, इरीगेशन इंजीनियरिंग से 17 क्वेश्चन है, पीएचई सबसे ज़्यादा 38 क्वेश्चन पूछे गए। वहीं देखा जाए यूपी पीसीएल जेई 2016 का पेपर, तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपका सॉइल से 25 है, हाइड्रोलिक से 24 क्वेश्चन है, और आपके सर्वेइंग 19 क्वेश्चन हो गए, 17 क्वेश्चन सोम से हो गए, 15 क्वेश्चन आपके इरीगेशन इंजीनियरिंग से हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पे हर एक पेपर की डिटेल दी गई है, कितने नंबर आप क्वेश्चन पूछे गए हैं। सभी पेपर 150 नंबर के हुए हैं और 150 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारी डिटेल मिलेगी कितने नंबर आप क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये 38 क्वेश्चन पीएचसी से पूछा गया है, तो कहीं पर 31 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन सर्वे से पूछे गए हैं, 22 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन आपके एचआरबी से पूछे गए हैं, यानी हाईवे रेलवे एंड ब्रिज से। तो डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। फिर यहाँ पे सिलेबस दिखाया गया है। सिलेबस मैंने शुरू में ही बता दिया कि टेक्निकल सब्जेक्ट 150 नंबर के होंगे, 20 जनरल नॉलेज होगा, 20 की रीजनिंग होगी और 10 की जनरल हिंदी होगी। तो टोटल नंबर आप क्वेश्चन 200 और 200 नंबर के होंगे। जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल हिंदी का सिलेबस यहाँ दिया गया है। उसके बाद डिटेल में सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस दिया गया है, बिल्डिंग मटेरियल, इस्टीमेटिंग, कॉस्टिंग, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, इरीगेशन इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग, मेथोरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी डिजाइन, स्टील डिजाइन, ये सिलेबस आपके स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग के होंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन, एनवायरमेंट वगैरह आपके सिविल इंजीनियरिंग के यहाँ पे होंगे। ये डिटेल सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अगर हम बुक की लैंग्वेज देखते हैं तो बुक बाय लैंग्वेज होगी, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा। तो ऑल ओवर इंडिया से जो भी यूपी पीसीएल के एग्जाम दे रहा है कर सकते हैं। मैं एक दो क्वेश्चन पढ़ के बता दे रहा हूँ। जैसे इफ द प्रेशर ड्यू टू सबमर्ज्ड वेट ऑफ द सॉइल इज इक्वल टू सीपेज प्रेशर, द इफेक्टिव प्रेशर, तो इफेक्टिव प्रेशर क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जीरो हो जाता है। यदि मृदा के भार से उत्पन्न दाब सीपेज दाब के बराबर होता है तो कुल दाब का मान रिमेन्स द सेम, समान रहेगा, बिकम्स जीरो, शून्य हो जाएगा, बिकम्स यूनिटी, इकाई हो जाएगा, बिकम्स मैक्सिमम, अधिकतम हो जाएगा।
तो जब प्रेशर चम्बर जो वेट और सॉइल का और सीपेज प्रेशर के बराबर हो जाता है तो इफेक्टिव प्रेशर क्या होता है, जीरो हो जाता है। यहाँ भी डिटेल भी दिया गया है, डिटेल दिया गया है रिसेंट प्रवाह पारगम माध्यम से गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण होता है। जब प्रवाह ऊंचे तल से नीचे तल की ओर होता है तो प्रवाह स्तरीय होता है, तो रिसेंट की मात्रा का मान जाल की सहायता से ज्ञात किया जाता है। इस प्रवाह जाल को वजन बनाने के लिए लाप्लास इक्वेशन यानी लाप्लास समीकरण का प्रयोग किया जाता है। यदि मृदा के भार से जनित दाब सीपेज दाब के बराबर होता है तो कुल टोटल प्रेशर का मान शून्य हो जाता है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन भी आपको इंग्लिश हिंदी दोनों मिलेगा, डिस्क्रिप्शन साथ में ही दे दी गई है, तो 150 क्वेश्चन ये आपका ये ऐसे ही सोल्यूशन मिल जाएगा। तो टोटल 10 पेपर इसमें है, यूपी आर्मी और यूपी पीसीएल में जेई और एई टोटल मिला के। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस सेट दिखा दे रहा, प्रैक्टिस सेट कैसे इसमें दिया गया है जो आपको हेल्प करेगा एग्जाम को क्रैक करने के लिए। देखिए प्रैक्टिस नंबर 5 में दिखा दे रहा हूँ आपको, प्रैक्टिस नंबर 5 में सबसे पहले टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, टेक्निकल एबिलिटी से स्टार्ट होता है। टेक्निकल एबिलिटी के 150 क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन बायलिंगुअल होगा मतलब हिंदी इंग्लिश दोनों में मिल रहा है आपको, तो आपके एग्जाम के लिए बेहतर होगा। अगर आप इंग्लिश में तैयारी किए तो इंग्लिश से भी टेस्ट दे सकते हैं, हिंदी में तैयारी किए तो हिंदी में टेस्ट दे पाएंगे, ठीक है। ये यहाँ पर आपको 150 क्वेश्चन ऐसे ही मिल जाएंगे। 150 क्वेश्चन के बाद यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाता है जनरल नॉलेज, ठीक है। जनरल नॉलेज इसके 20 क्वेश्चन होंगे तो 170 तक हो जाएगा। जनरल नॉलेज के बाद आपकी रीजनिंग आ जाती है, रीजनिंग एबिलिटी वहाँ इसके भी 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। और लास्ट में आपके 10 क्वेश्चन जनरल हिंदी के मतलब सामान्य हिंदी के 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, 191 से 200 क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर लेंगे उसके बाद आप अपने आंसर किससे मैच करवाइएगा, कितने नंबर आप क्वेश्चन आपके सही हुए हैं, जितने नंबर क्वेश्चन सही होंगे वो सही रहेंगे और जो भी गलत हो गए हैं उसका माइनस मार्किंग कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख लीजिएगा कितने नंबर आप पा रहे हैं, जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए हैं या तो छूट गए हैं उसके सोल्यूशन भी यहाँ पर दिए गए हैं। सोल्यूशन में जहाँ फिगर की आवश्यकता हुआ है वहाँ फिगर दिखाया गया है, जहाँ हमें फार्मूले की आवश्यकता है वहाँ फार्मूले हैं, जहाँ कॉलम की आवश्यकता है वहाँ कॉलम दिया गया है, और अधिकतम चीज़ें डिस्क्रिप्शन में दे दी गई हैं जिससे आपको पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ से क्लियर हो जाए, ठीक है। तो 5 सेट दिया गया है, 5 सेट को अगर 2 बार भी लगाते हैं तो लगभग 10 सेट हो जाता है, और 10 सोल्यूशन पेपर मिल जाएगा तो लगभग 20 सेट हो जाते हैं, तो आराम से आप क्रैक कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारे और बुक्स अवेलेबल होती हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।